हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहिनी एंड गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड टुडेज आई एम शेयरिंग गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये हर एक लड़की को, हर एक लेडी को नीड होती है। और हम सभी को गाइस उबटन लगाना पसंद है, और इवन मैं खुद भी पसंद करती हूँ, बिकॉज उबटन जो होता है हमारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है। बट इतनी तामझाम में, इतनी बिजी लाइफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप उबटन वगैरह बनाओ और उसे अप्लाई करो अपने फेस पर, अपने स्किन पर, अपनी बॉडी पर, कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर कितना अच्छा होगा कि अगर वो आपको बना बनाया मिल जाए और सिर्फ आपको अप्लाई करना हो अपने फेस पर। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है उबटन फेस पैक। आप उसे अपनी बॉडी पर भी लगा सकते हो, फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, कौन सा वो प्रोडक्ट है, वीडियो को देखने के लिए मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना विथ बेल बटन। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे भी आपको मेंशन हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, जो कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ। ओके सो गाइस, चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाव स्किन साइंस का उबटन फेस पैक, जो कि आप अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो, अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, उबटन से हमारी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। उबटन लोग मोस्टली लड़कियां जो होती हैं शादी से पहले अप्लाई करती हैं, ताकि स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आ सके, उनकी पूरी बॉडी पर अच्छा सा ग्लो आ सके शादी के टाइम। तो अगर गाइस, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप शादी के पहले ही करो, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो उबटन। जैसे कि मुझे बहुत पर्सनली अगर मैं बोलूं गाइस, तो मुझे उबटन लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ होते हैं, बिकॉज वो और हमारी स्किन पर नेचुरल सा ग्लो भी लाते हैं। सो आज मैं जो प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो 100% नेचुरल भी है, मेड इन इंडिया भी है एंड डर्मेटोलॉजी टेस्टेड भी है, जिसमें केमिकल्स की कोई भी बात ही नहीं है, विदाउट केमिकल ये प्रोडक्ट है। मैं वाव के हर एक प्रोडक्ट में आप लोगों को बताती रहती हूँ कि नो पैराबेंस, नो सिल्कर, नो मिनरल्स, ना ही कोई सिंथेटिक कलर्स होते हैं इसमें, ना ही कोई फ्रेगनेस होती है ऐसी। तो गाइस, मेरे हाथ में आप देख सकते हो वाव स्किन साइंस का, मेरे हाथ में उबटन फेस एंड बॉडी पैक है, जो कि मेरे हाथ में है। और अगर मैं इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें चिकोपी फ्लोर है, मीन्स आपको इसमें बेसन मिल रहा है, टर्मरिक यानी हल्दी मिल रही है, सेफ्रॉन यानी केसर मिल रहा है, आलमंड एक्सट्रैक्ट, इसमें आलमंड्स को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, एंड इसमें रोज मिलेगा आपको, रोज वाटर इसमें ऐड किया गया है एंड सैंडलवुड ऑयल इसमें ऐड किए गए हैं। सो गाइस, ये आपकी स्किन को टोन करने में हेल्प करेगा और आपकी जो डल स्किन होती है उसे रिवाइव करेगा एंड आपके पोर्स को बहुत अच्छे से रिफाइन भी करेगा। सो गाइस, ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है। और गाइस, अगर मैं इसमें बात करूं, आपको जब भी इसे अप्लाई करना है तो आप अपने सिर्फ फेस पर अप्लाई करोगे, आप अपने आईज के कांटेक्ट में इसे नहीं लाओगे। एंड अगर आपको कोई एलर्जी टाइप है, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है जो कि आपकी स्किन को हर चीज सूट नहीं करती है, तो आप इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं, अपने ईयर के पास कर सकते हैं, अपने नेक पे कर सकते हैं, या फिर अपने ईयर के पास कर सकते हैं। आप इसमें पैच टेस्ट जरूर करिए, जो कि आपकी स्किन को टोनिंग एंड रिफाइनिंग में हेल्प करेगा। एंड गाइज, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, इसकी जो प्राइस इसमें मेंशन की गई है वो है 499, बट आप इसमें देखोगे तो हमेशा डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं। इवन वाओ की ऐप पे भी आप जाके इसे चेक करोगे तो डिस्काउंट्स वगैरह हमेशा चलते रहते हैं, तो प्राइस अप डाउन होती रहती है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है। सो गाइज, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक वाइज ये कैसा है, एंड थोड़ा सा नजदीक से दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरह से है और क्या क्या चीजें हैं इसमें। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये रहा मेरे हाथ में प्रोडक्ट, जिसे मैंने अपने हाथ में ले लिया है। एंड ये रहा, इसके अंदर आपको इस तरह से एक स्पैचुला मिलेगा, जो कि आपको बहुत इजी होगा फेस पर अप्लाई करना।
तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लुक वाइज प्रोडक्ट कैसा है, अंदर से कैसा दिखता है ये, एंड इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एंड क्या क्या चीजें अभी रह गई है जो मैंने आपको बताई नहीं, एंड और थ्री डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि ये रही आउटर पैकेजिंग इस प्रोडक्ट की, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी आउटर पैकेजिंग। तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी आपको मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले गाइस चिकपी फ्लोर है, जो कि होता है बेसन, और ये आपकी स्किन से आपकी बॉडी को, डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आपके फाइन हेयर्स जो होते हैं छोटे छोटे बॉडी पर, आपकी फेस पर, उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। इसमें आलमंड एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, यानी कि बादाम, और आपको पता है कि आलमंड जो होता है वो पूरा विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं बहुत अच्छे से, एंड आपकी ड्राइनेस को भी कम करते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें स्पैचुला भी आपको इसके साथ ही मिल रहा है, एंड इसमें टर्मेरिक एंड सेफ्रॉन भी एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो कि आपकी स्किन की टैनिंग को रिमूव करते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करेगा। एंड इसमें रोज़ वाटर भी है, तो रोज़ वाटर जो होते हैं हमारी स्किन पे एक बहुत अच्छा टोनर का काम करेगा, ये भी आपकी स्किन से आपके कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करेगा। एंड गाइस ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो भी देगा। सैंडलवुड जो है वो इसमें आपकी स्किन पे आपकी स्किन के जो इम्परफेक्शंस होते हैं उन्हें रिमूव करेंगे, एंड जो एक्सेस ऑयल होते हैं उसे कंट्रोल करेगा। और गाइस आप देख सकते हो कि लुक वाइज ये किस तरह से है प्रोडक्ट। आपको ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसमें बारकोड भी है, आप इसे स्कैन कर सकते हो, एंड सारी चीज़ें इसमें मेंशन भी की गई है कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसका टेक्सचर किस तरह से है, और बिल्कुल इसकी जो फ्रेगनेंस है गाइस, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल उपटन जैसी ही है, मैंने आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर है इसका इस पर। तो आप इस स्पैचुला की हेल्प से लगाओगे तो आपके फिंगर में जो भी डेड स्किन वगैरह होगी वो आपके फेस पर आएंगे ही नहीं। तो आप देख सकते हो, मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा थिक है, और पूरी तरह से उपटन जैसा फील हो रहा था मुझे इसे लगाने पर, मिंट जैसा भी फील हो रहा था मेरे हाथ पर। तो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी के साथ है ये। तो आप जब भी आप इसे यूज़ करें तो अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें, फेस वॉश कर लें, एंड फिर इसके बाद इस स्पैचुला की हेल्प से अपने स्किन पर पूरी तरह से अप्लाई करें। एंड हाँ, आपको मेक श्योर रहना है कि आपको अपने आईज़ के आसपास नहीं लगाना है, एंड आपको इसे 15 मिनट के लिए अपने फेस पर रखना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर सकते हो, एंड उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा रहा इस उपटन के साथ। सो यहाँ पे 15 मिनट वेट करने के बाद मैं अपने फेस को क्लीन करने जा रही हूँ, और क्लीन करने के बाद देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। ड्राई होने के बाद मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ सी लग रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी स्किन पर कितनी सारी डलनेस थी जो रिमूव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। सो आई होप गाइस कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज मिल गई होगी, किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी देर आपको अप्लाई करना है। एंड गाइस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा रहा इस प्रोडक्ट के साथ। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट को बाय करने में, उपटन फेस पैक को, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। आप किसी भी लिंक से बाय कर सकते हो, किसी भी लिंक से बाय कर सकते हो आप। वीडियो अगर पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीजों के साथ, किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। सो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।